हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों, मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रेन सिंह। चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच में फिर से मैं लाइव आया हूँ। चलिए आज मैं आप लोग को मोदी केयर कच्ची घानी सरसों के तेल के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ ही दिन पहले हमारी मोदी केयर कंपनी ने कच्ची घानी सरसों का तेल पाउच में लॉन्च किया था, 1 लीटर में लॉन्च किया था, और बहुत ही जल्दी आपके बीच में 5 लीटर का गैलन यानी 5 लीटर का भी तेल का पैकेज आप लोग के बीच में लॉन्च कर दिया। मोदी केयर कंपनी ने देखा कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो सरसों का तेल जो कि 5 लीटर के भी गैलन में आ गया है, आप लोग के बीच में हर डीपी पे उपलब्ध है। तो दोस्तों, चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि इसकी खासियत क्या है। कच्ची घानी सरसों का तेल और जो अन्य तेल सरसों का होता है उसमें खासियत क्या होती है, इसके जानने से पहले मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, चलिए आप लोग को बता दूं कच्ची घानी सरसों का तेल की खासियत क्या होती है। दोस्तों, यह कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है। दोस्तों, कोल्ड प्रेस ऑयल का मतलब होता है जब इसको पेरा जाता है तो वो गर्म नहीं होता है, यानी कि यह लकड़ी के कोल्हू में पेरा जाता है। दोस्तों, और सारे जितने भी सरसों के तेल बनते हैं या तो केमिकल युक्त होते हैं या तो कहीं अगर मशीनों में पेरे जाते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, हीट होते जाएँ, गर्म करके पेरे जाते हैं, तो वो जो है उतना बेहतरीन नहीं होता है। या तो जितने भी मार्केट में है यह बिल्कुल जो है केमिकल युक्त है, केमिकल मिला हुआ सरसों का तेल मिलता है, लेकिन हमारे मोदी केयर का कच्ची घानी सरसों का तेल दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे शुद्ध है। यह जो है ठंडा होता है, यह गर्म नहीं होता है तेल, यह आपके लिए नुकसान नहीं करेगा। आप इसका इंटरनल एक्सटर्नल कहीं भी यूज़ करिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, यह कोल्ड प्रेस इसलिए कहा जाता है कि जब लकड़ी के कोल्हू में पेरा जाता है तो गर्म नहीं होता है, लेकिन मशीनों में जो सरसों का तेल पेरा जाता है वो गर्म हो जाता है या तो हीटिंग करके पेरा जाता है, तो वो जो है उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है जितना फ़ायदेमंद कोल्ड प्रेस सरसों का तेल होता है। दोस्तों, तो मैं आप लोग को बता दूं कि यह बहुत ही अच्छा तेल होता है और यह जो है हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा भी माना जाता है और बिल्कुल शुद्ध भी है, जिसमें दोस्तों भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी मिला हुआ है, म्यूफा प्यूफा भी मिला हुआ है, विटामिन ई और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में है। दोस्तों, इसके अलावा विटामिन ए विटामिन डी भी सरसों के तेल में हमारे पाया जाता है। दोस्तों, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह हमारे हर डीपी पे उपलब्ध है, कच्ची घानी का सरसों तेल। दोस्तों, अगर किसी दूसरी कंपनी का लेंगे तो 200 से ऊपर का मिलेगा, लेकिन हमारा जो है 200 से नीचे का है प्रति लीटर का। दोस्तों, आप बाबा रामदेव का ले लीजिए या किसी अन्य कंपनी का ले लीजिए, कच्ची घानी सरसों का जो कोल्ड प्रेस तेल आता है वो बहुत काफ़ी महंगा देते हैं लोग, लेकिन हमारे मोदी केयर में इतना महंगा नहीं है, सिर्फ अपने समझने का फ़र्क है। दोस्तों, जो मार्केट में तेल आता है वह केमिकल युक्त होता है, हमारा सरसों का तेल तो है ही लेकिन कोल्ड प्रेस्ड तेल है। अगर आप नेट सर्च मार के देख लीजिएगा कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल, आप देखिए 200 से सारे जो है ऊपर हैं, 250-300 रुपया प्रति लीटर से कम नहीं कोई तेल मिलता है, लेकिन हमारी मोदी केयर ने 200 से नीचे ही इसका दाम रखा है और डीपी प्राइस और कम है। दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 1 लीटर का कितना दाम है हमारे इस मोदी केयर में और 2 लीटर का कितना दाम है। तो दोस्तों, 1 लीटर अगर साउल फ्लेवर कच्ची घानी सरसों तेल आप लेते हैं तो इसका MRP है 195 रुपया और डीपी प्राइस है 165 रुपया। जी हाँ दोस्तों, MRP है 195 रुपया और डीपी प्राइस है 165 रुपया और बिजनेस वैल्यू 16.50 भी बनता है और पॉइंट वैल्यू जो है 0.61 है। दोस्तों, यह 1 लीटर का अगर पाउच करते हैं सरसों का तेल तो उसका MRP 195, डीपी प्राइस 165 है। अगर आप 5 लीटर सरसों का तेल खरीदते हैं दोस्तों तो उसका MRP है 975 रुपया और DP प्राइस है 815 रुपया। याद रख लीजिए, MRP है 5 लीटर सरसों का तेल जो जर्किन आता है, गैलन आता है, उसमें उसका MRP है 975 रुपया और DP प्राइस है 815 रुपया और बिजनेस वैल्यू 81.50 बनता है और पॉइंट वैल्यू 3.01 बनता है। दोस्तों, सरसों का तेल में बहुत ज़्यादा बिजनेस वैल्यू या पॉइंट वैल्यू नहीं बनता है, लेकिन ये है कि हमें शुद्धता मिलती है और शुद्ध जो है सरसों का तेल मिलता है, जिससे हम
अपने आप को बचा सकते हैं, हम निरोगी रहते हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है और हमें किसी प्रकार की लीवर संबंधी समस्या नहीं होती है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ बता दूं कि लीवर की जितनी भी समस्याएं होती हैं या हमारे शरीर में जितनी भी समस्याएं होती हैं 90% हमारे डाइजेशन से होती हैं। अगर हमारा डाइजेशन ख़राब हो गया तो 90% समझिए कि आप बिल्कुल ख़राब हो गए दोस्तों, क्योंकि डाइजेशन ख़राब होता है तो लीवर ख़राब होता है, स्वेलिंग होती है, पैनक्रियाज ख़राब होता है, शुगर बीपी सब इसी से, हार्ट अटैक सब बढ़ता है। तो आप अच्छा तेल खाइए, कच्ची घानी सरसों का तेल खाइए या तो एक्टिव राइस ब्रांड ऑयल लीजिए दोस्तों। इसमें जो है खाना सुपाच्य होता है, अच्छा भी होता है और दोस्तों आप सही रहेंगे तो पूरा परिवार सही रहेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों कच्ची घानी सरसों का तेल सबसे बेहतरीन हमारी मोदी केयर कंपनी दे रही है और कम दामों में दे रही है, आप पता कर लीजिएगा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।